इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का पाठ 13 दिन और महीने की जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम और कुछ खास दिनों के नाम हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमें याद रखने हैं। तो हम कौन कौन से 4 खास दिन का ज्ञान लिए थे? पहला, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। और गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, जो अभी 26 जनवरी को आएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ठीक है। तीसरा था बाल दिवस, बच्चों का दिन। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। किसकी याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला था शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर ये किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है बच्चों। अब आज हम लोग पाठ 14 चित्र वर्णन की जानकारी लेंगे, कि किसी भी चित्र को देखकर उसमें जो होने वाली क्रिया या जो क्रिया होते हुए दिख रही है, उसका लिख कर वर्णन करना। किसी भी चित्र में दिए गए वस्तुओं के द्वारा होने वाली क्रियाओं के बारे में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो यहाँ पेज नंबर 6464 आप लोग भी खोल लीजिए। पेज नंबर 6464, इसमें देखिए एक चित्र दिया हुआ है। तो इसे देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, बताइए? ये किस तरह की चित्र है? यह एक गांव की चित्र दिख रही है, ठीक है। यह एक गांव की चित्र दिख रही है। ये सारी क्रियाएं और जो चीजें दिख रही है वो गांव में होती है। तो देखिए यहाँ 2 पहाड़ दिख रहे हैं। 2 पहाड़ के पीछे से सूरज निकलता हुआ दिख रहा है। सूरज कब निकलता है? सुबह या शाम को? सुबह, वेरी गुड। तो सूरज सुबह निकलता है, अर्थात ये सुबह के समय का चित्र दर्शाया गया है। इसमें देखिए इधर घर बना हुआ है, कुछ पेड़ पौधे हैं, हरे हरे घास हैं, बकरियां इधर उधर घूम रही है, एक नदी में पानी बह रहा है, उसमें कुछ मछलियां तैर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चरवाहा डंडा लेकर बैठा हुआ है, ये इन बकरियों का देखभाल कर रहा है। चरवाहा क्या काम करता है? चरवाहा जानवरों को लेकर और जहाँ जंगल के किनारे, नदी के किनारे जहाँ घास होती है,
हरी हरी पत्तियां होती है वहां लेकर जाता है ताकि जानवर भी अपनी पेट भर सके। वो भी हरी पत्तों को खाकर, हरे घास को खाकर अपना पेट भर सके और वो इधर उधर भाग ना जाए, इसलिए चरवाहा उसका ध्यान रखता है। तो इसमें चित्र वर्णन, अब इस चित्र को देखकर हमें इसमें होने वाली जो क्रियाएं दिख रही है हमें उसे लिख कर व्यक्त करना है, लिख कर व्यक्त करना है, यही चित्र वर्णन होता है, चित्र का वर्णन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यह एक गांव का चित्र है, यह एक गांव का चित्र है। फिर क्या लिखोगे, नदी के किनारे हरी हरी घास है, नदी के किनारे हरी हरी घास है। गांव में एक नदी है, नदी में मछलियां तैर रही है। ठीक है, मछलियां का अर्थ ही हो गया बहुत सारी मछलियां। हम वचन में पढ़ते हैं एक मछली तो मछली कहेंगे, और बहुत सारी मछली है तो मछलियां। नदी में क्या तैर रही है, मछलियां तैर रही है। ठीक है, बकरियां घास खा रही है, बकरियां घास खा रही है। ये आपको लिखना है, मैं सिर्फ ओरल एक्सप्लेन कर रही हूं, आपको ये लिखना है। एक पत्थर पर चरवाहा बैठा हुआ है, एक पत्थर पर चरवाहा बैठा हुआ है, चरवाहे के हाथ में डंडा है, चरवाहे के हाथ में डंडा है। ठीक है, नदी के किनारे छोटे छोटे पौधे भी हैं, कुछ घर भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह आपको और भी कुछ क्रियाएं होती हुई दिख रही है या कोई वस्तु दिख रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका होमवर्क, जो कहां लिखने हैं, VNB में, VNB व्याकरण नोटबुक, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तो चित्र आपके बुक में भी है, इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा आप जो नीचे लिखा है उसे ना देखें, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपको दो लाइन ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जितना है हम उतना ही लिख सकते हैं। हम खुद से भी, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है तो हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, जिसे आपको नोटबुक में लिखना है, चित्र वर्णन कि इस चित्र में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, कौन कौन सी वस्तुएं दिख रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पेज नंबर 6565 में आ जाइए। पेज नंबर 6565 में आ जाइए। इसमें क्या है, चित्रों को देखकर पांच पांच वाक्य लिखो। कौन से चित्र को, नीचे जो चित्र दिया गया है उसे ध्यान से पहले हमें देखना है, फिर इसके पांच पांच वाक्य लिखने हैं।
यहाँ आपको कुछ संकेत दिए हुए हैं, तो दिए गए संकेत के अनुसार आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, देखिए साइड में लिखा है क, यह पुस्तकालय है। ये जो चित्र दिया हुआ है ये किसका चित्र है? पुस्तकालय। पुस्तकालय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी। आप भी स्कूल में लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी के पीरियड में वहां जाकर क्या करते हो आप लोग? अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हो, कहानियां उसमें पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं वो पुस्तकालय में बैठे हैं और अपनी पसंद की किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, संकेत द्वारा सभी को चुप रहने के लिए कह रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? शोर कर रहा है, ठीक है। अब ये शोर कर रहा है तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन्हें परेशानियां हो रही है, ये अपने ध्यान से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे ही यहाँ हमें लिखना है। ख में है यहाँ बच्चे, अभी यहाँ से क्या सेंटेंस बन सकता है, कौन सा वाक्य हम बना सकते हैं? यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला संकेत क्या है आपका? कुछ बच्चे। अगला संकेत है आपका कुछ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। घ में है एक बच्चा खड़ा होकर शोर कर रहा है। देखिए एक बच्चा यहाँ शोर कर रहा है। फिर है अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर क्या करवा रहे हैं? शांत करवा रहे हैं। तो ये आपका क्लास वर्क है आज का, इसे फटाफट देखकर कंप्लीट कर लीजिए, इसे देखकर कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। यह एक पुस्तकालय है जो कि लिखा हुआ है, यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा गैप हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग लगातार लिखिएगा। एक बच्चा खड़ा होकर शोर कर रहा है। अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर शांत करवा रहे हैं। यहाँ है में बिंदी, क्योंकि अध्यापक का हम सम्मान करते हैं इसलिए बिंदी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, अपना कार्य कंप्लीट कर लिए होंगे। अब नीचे के जो चित्र दिए हुए हैं उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए ये जो पिक्चर है, अब
इतना देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? चित्र में जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, उसे देखकर बताना है। तो सबसे पहले ये कौन है, ये क्या कर रहा है? ये कपड़ा धो रहा है। देखिए नदी बह रही है, उसमें कपड़ा धो रहा है। तो कपड़े कौन धोता है? धोबी। तो धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा बताइए, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है जिसमें आप लोग पतंग उड़ाते हो? उत्तरायण। उत्तरायण कब होती है? हर साल 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे भी पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है चित्र में। आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक नदी है, उसमें नाव चल रही है। नाव को एक आदमी चला रहा है। नदी के किनारे हरी हरी घास है। तो इन सारी चीजों को देखकर आपको इसका ही वर्णन करना है कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। ठीक है, बताइए धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोता है। ठीक है, और जो नाव चलाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे गाड़ी चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं, जो एरोप्लेन चलाता है उसे पायलट कहते हैं। तो जो नाव को खेता है, जो नाव को चलाता है उसे नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाविक। और नाव का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? आप लोग फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं ये, अगर याद हो तो बताइए। नाव का पर्यायवाची शब्द नौका। नाव का पर्यायवाची शब्द नौका। ठीक है, और नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता। अच्छा बताइए, अभी मैं तो ये जब लाइव क्लास ली थी इसके पहले, तो इसका रिवीजन कराई थी। समानार्थी शब्द, ये सूरज का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है बताइए? सूरज का समानार्थी शब्द क्या होता है? सूर्य, रवि, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर। तो इस तरह इसके पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े थे। बादल के पर्यायवाची शब्द बताइए, बादल का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है? बादल का होता है मेघ, घन। मेघ, घन। ठीक है, तो इस तरह हमें सभी याद रखना है उसका पर्यायवाची क्या है, उसको अगर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा। जैसे पतंग, अभी एक पतंग है तो हम पतंग कहेंगे, अगर बहुत सारी पतंगे रहेगी तो पतंगे। चलिए अब ये देखकर आप लोग यहाँ क्लास वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका क्लास वर्क जो कंप्लीट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।